जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है दोस्तों। और ये रिजल्ट है, ये आपका मेडिकल का रिजल्ट है। जो बच्चे फिजिकल वगैरह क्वालिफाई हुए थे उनको अब शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया, मतलब यहाँ पर आप लोगों की कट ऑफ है वो फिर से एक बार बढ़ चुकी है। तो किन किन बच्चों का सलेक्शन हुआ है, साथ ही कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें मेडिकल के लिए बुलाया गया, साथ ही कब से आप लोगों का मेडिकल शुरू होगा, और मेडिकल के बाद में जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो वो कितने नंबर तक बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी मेडिकल वाली कट ऑफ से इतने नंबर ज्यादा है तो आपका इस बार एसएससीजीडी भर्ती 2021 में सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांसेस है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में ऑफिशियली तरीके से बताने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और आगे आने वाली एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, हम एसएससी की ऑफिशियल साइट पे हैं और कल 12 तारीख को दोस्तों इसका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 12 तारीख को ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा और मेडिकल के बारे में भी मैंने आपको कंफर्म डेट है वो बता दिए। तो इसको लेकर मैं पूरी अपडेट आप लोगों को बता दूं, जिसके कारण आप लोगों के सारे डाउट्स है वो क्लियर होने वाले। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं, अगर आप भी इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है। और दोस्तों ये गाइड आपको ट्रेड्समैन के साथ में सोल्जर जीडी, सोल्जर एसकेटी कलर्क के लिए, उसके साथ ही सोल्जर टेक्निकल, चारों की गाइड, अच्छी गाइड यहां पर आ चुकी है, जो कि नवीनतम सिलेबस के हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया, जिसमें 2000 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन, साथ ही 50-50 आपको प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मिलने वाले। चारों ही बुक आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, साथ ही अगर आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जाके आप इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं, तो ये नोटिस डाउनलोड होकर आ चुका है। तो टोटल अगर बात करें तो कितने बच्चों को इस बार मेडिकल के लिए बुलाया गया, जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया, क्योंकि स्टेट वाइज आप लोगों की कट ऑफ फिर से आ चुकी है, किन किन राज्यों में कितनी कितनी कट ऑफ बढ़ी है आप पूरी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ ही दोस्तों ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग। जी हां दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट को टोटल फीमेल कैंडिडेट पास की गई है, जिसमें आपके यहां पर अगर बात करें दोस्तों टोटल कितने यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो टोटल 7,235 फीमेल कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया मेडिकल के लिए। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल मेल कैंडिडेट है जिन्हें 60,732 मेल कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल वगैरह क्वालिफाई कर लिया लेकिन अब उन्हें मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, क्या हमें भी मेडिकल का मौका मिलेगा, क्या एक और लिस्ट हमारी आने वाली या नहीं आएगी। तो इसको लेकर भी मैं आप लोगों को अपडेट बता देता हूं, अगर आपके राज्य में अगर वैकेंसीज खाली रहती है, अगर मेडिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो दोस्तों दूसरी लिस्ट आ सकती है, नेता आप लोगों की दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। यहां पर लिस्ट में आप अपने राज्य की और अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं। दूसरी बात बात करते हैं दोस्तों मेडिकल को लेकर, तो आप लोगों का मेडिकल है वो 26 अगस्त के बाद में शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस है। दोस्तों आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, साथ ही आपका आप मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए या नहीं किए गए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।